तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल के ऊपर कैलकुलेशंस की कि पिवट टेबल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए हम आज की टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने पिवट टेबल आपका दिख रहा है, पिवट टेबल में हमने लास्ट क्लास में ग्रुपिंग वगैरह सीखा था, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो ध्यान से देखिए कि कैलकुलेशन में आधा मुझे करना होता है, आधा आपको करना होगा। कैलकुलेशन मतलब कि हम कुछ भी किसी भी तरह का कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर ही कर लें, वीवीए के अंदर, सॉरी पिवट के अंदर ही कर लें, मैं पिवट के बाहर एक्सेल वीवीए की यूज ना करना पड़े। जैसे कि हमने रीजन को यहाँ पे लिया, रीजन छोड़िए, मैं काम करता हूँ, मैं लेता हूँ सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन और ये हमारी क्वांटिटी है। अब मुझे इसमें क्या है कि परसेंटेज शो करना है, टारगेट, हर किसी का टारगेट दिया गया है। तो टारगेट जो है वो मान लीजिए 10,000 का टारगेट है, तो हमने टारगेट यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ क्वांटिटी में हमने दे दिया 12,000। अब देखिए मैं डेटा में कुछ एडिशन किया बट मेरे पिवट पे वो इफेक्टेड नहीं होगा। नॉन इनिशियल रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ऑलरेडी पहले से जो डेटा है अगर उसमें किसी तरह का चेंजिंग करते हैं, जैसे मैं चार यहाँ पे 124 कर दिया, तो अब रिफ्रेश करने से देखिए 25,904 से 186 हो गया, ठीक है, तो अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई नया डेटा डाला हुआ, जैसे हम नीचे देखिए एक नया डेटा हमने डाला हुआ, अगर कोई नई डेटा आपने डाल रखा है तो पिवट में कंसीडर नहीं होगा जब तक कि आप रेंज को चेंज ना करें। तो मैं यहाँ पिवट टेबल की एनालाइज में जाता हूँ, चेंज सोर्स डेटा, हम इस पर क्लिक करते हैं और वापस डेटा को हम रीसिलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, वापस हम डेटा को रीसिलेक्ट कर लिए एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे आ गया, तो टारगेट था। अब मुझे क्या करना है कि इस 12,000 से बाकी सब को डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। तो क्वांटिटी को हम इसके नीचे रख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ द क्वांटिटी। इस पे हम वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, सो वैल्यू एज पे जाएंगे। डिफॉल्ट यहाँ पे नो कैलकुलेशन होता है। अब इस नो कैलकुलेशन को परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट कर लेते, परसेंटेज ऑफ किसका, तो हमने बोला टारगेट, यहाँ टारगेट को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके हो गया। ओके और क्या क्या किया जा सकता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन है, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर, पैरेंट टोटल, पैरेंट कॉलम टोटल, डिफरेंस कॉम, डिफरेंस परसेंटेज, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल परसेंटेज दे सकते हैं। अब रनिंग टोटल एक बगल क्या है, एक मिनट में एक और अपने डेटा में एक छोटा सा डेटा यूज करता हूं मंथ का, तो मंथ यहां पर आ गया। अब मैं अपना डेट पिवट सिलेक्ट करता हूं और यहां मैं जाता हूं पिवट टेबल देन ओके। अब मैंने यहां पे मंथ को यहां रखा, क्वांटिटी को यहां रखा, और मुझे यहाँ पे कोई क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए कि भाई अप्रैल में 2200 सेल था तो मई में 2290 हुआ, तो टोटल कितनी सेल हो, जून में टोटल कितनी सेल हो, मतलब कि इन सबों को हम सम करते लाते हैं, क्यूमुलेटिव टोटल होता है ना, उसी को रनिंग टोटल कहते हैं। तो सो वैल्यू एज में आते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इज द रनिंग टोटल आ गया। अब इसको क्वांटिटी को एक बार और रख लीजिए, यहाँ पे एक वैल्यू को दो टाइम दो बार रख सकते हैं, एक फील्ड को दो बार रख सकते हैं। तो सर्वेश जी, दिनेश जी एंड आसिफ जी, समझ में आया आपको ये? सर इसमें आपने जो ये
टारगेट जो आपने चेंज किया था ना, उसका वैल्यू फील्ड इसमें पहले वाले में पिवोट टेबल में सर, तो आपने कहा से रो लेबल को हम चेंज कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, बट अनदर वाली जो फील्ड वैल्यूज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जी ये चेंज कैसे हो गया सर? कौन सा चेंज हो गया अगला? एक्चुअली उसमें वो टारगेट इसमें TARGER था, आपने यहाँ पर टी कर दिया था आप इसमें। इसको चेंज कर सकते हैं ना, तो मैं पहली क्लास में बोला था हम सिर्फ कैलकुलेशन वाले को चेंज नहीं करते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको। ओके सर, मैंने सही ध्यान नहीं दिया होगा उसमें। ठीक है सर, ये परसेंटेज में सपोज इधर तो ना 477 है ना, हाँ मतलब ये 100 का है, लेकिन इधर Q3.90% आया। बेसिकली क्या है, इसने क्या किया 12,000 से बाकी सबको परसेंटेज निकाला, 12,000 द टारगेट और इट इज द सेल, कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ। तो इस क्यूएफ ने सिंपल क्या किया, 477 डिवाइड बाय 12,000। ओके सर, गुड। ओके, मतलब ग्रांड टोटल में डिवाइड हो गया। ठीक है सर, टोटल नहीं सर, दिस अ टारगेट, टारगेट टारगेट। हमने टारगेट सिलेक्ट किया हुआ ना सर, आपने देखा होगा वैल्यू सेटिंग में, यहाँ पे हमने सेल्स पर्सन में टारगेट, टारगेट से बाकी जितने भी है सबको डिवाइड किया गया। अगर ग्रांड टोटल से चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो टोटल है, मैं चाहता हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, मैं कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि हमारा किस महीने में टोटल सेल का कितना परसेंटेज हुआ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रनिंग टोटल के जगह पे हम यहाँ परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर देंगे। तो ओके ग्रांड टोटल से डिवाइड कर देगा। जी हाँ, तो 25986 से सबको डिवाइड कर देगा। ओके okay। उसी तरह से मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, उसी परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे रनिंग टोटल परसेंटेज है, इसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस है उस पर एक बार ट्राई कीजिएगा, डाउट होगा तो हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आधा मैं करूंगा, आधा आपको करना है, तो बाकी चीजों पे ट्राई आपको खुद करना है। ओके अब ओके अगला ऑप्शन पे, अगले अगले टॉपिक पे चलती है। अगली टॉपिक है कि हमारे यहाँ देखिए एमआरपी है एंड क्वांटिटी है, मुझे इसमें ए नहीं है, क्या बोलते हैं अमाउंट नहीं है। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कि मैं एमएसटी वाइज क्वांटिटी डाला, उसके बगैर एमआरपी डाला, तो एमआरपी का सम आया जो कि गलत है, क्योंकि तो यहाँ पे एवरेज होना चाहिए। क्या सर, क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे देख लीजिए कि यहाँ 33 का 11 रुपये प्राइस नहीं है, 11 रुपीज पर पीस है, तो टोटल अमाउंट होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 33। तो यहां हमने एवरेज निकाला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे टोटल चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज एमआरपी, मार्क। नहीं एवरेज नहीं एमआरपी, ओके इससे मतलब नहीं है, डेटा डेटा में मल्टीप्लाई करता है। जी सर, तो मैं अपने डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, फर्क हम पिवट पे करना चाहते हैं। तो ये पिवट एनालाइज में यहाँ देख के फिल आइटम सेट में जाएंगे तो दिखेगा कैलकुलेटेड फिल, जी हाँ कैलकुलेटेड फिल, इस पे क्लिक कीजिए। और मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। टोटल में हमने यहाँ एमआरपी को लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एट एनुअल आ गया सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका जीएसटी निकालना है 18%, तो जीएसटी तो टोटल मल्टीप्लाई बाय 18%। आ गया जीएसटी, मुझे कमीशन निकालना है 2%, कमीशन टोटल मल्टीप्लाई बाय 2%, 2% 24%।
मॉडिफाई। अब मुझे इन सबको सम करना है, ग्रांड टोटल तो यहां पे हमारा आ जाएगा टोटल प्लस जीएसटी प्लस कमीशन एंड ऐड दैट। ओके सर, इस ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं करेगा ना इसको? नहीं नहीं, ओरिजिनल नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने आपके सामने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं या फिर वर्कशीट फंक्शन भी लगा सकते हैं? जैसे कि यहाँ देखिए ना, राउंड है, मुझे राउंड करना है तो मैं कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा, आर टोटल राउंड टोटल, और ये एक्सेल फॉर्मूला हमारा राउंड लगाया और फिर जी टोटल को डाला कॉमा जीरो ब्रैकेट ओपन स्लो चले। तो इसमें आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका रिजल्ट नंबर में होगा। अगर रिजल्ट टेक्स्ट में है तो फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर? जी सर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर अगर कोई ओरिजिनल डेटा में कुछ वैल्यू चेंज होती है और हम रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी चीजें चेंज होगी ना? जी हाँ, नई अगर नई डेटा ऐड हुई है तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पुरानी डेटा में अगर कोई चेंजिंग हुई है, अपडेशन हुई है, ये अपडेशन करके अपना आप चेंज करें। ठीक है? ठीक। तो ये इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं।